सीटेट दिसंबर सन 2024 के लिए उर्दू की लगातार क्लासेज आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। सिलेबस के मुताबिक अब तक 7 क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम तदरीस ज़बान के उसूलों तरीके यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से मुतालिक कुछ अहम सवालात डिस्कस किए थे। मज़ीद और सवालात को आज की क्लास में हम हल करेंगे। आपको पता होना चाहिए पिछली क्लास में जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको तफसील से डिस्कस किया जा चुका है। अब हम सवालात पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ पे है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक सरगर्मी है। क्या सरगर्मी है, पढ़ते हैं। क्या कर रहा है टीचर, क्लास को 5-5 के ग्रुप में बांटकर उन्हें ग्रुप में बातचीत करने के लिए टीचर रोज़ाना एक मौजू देती है, एक टॉपिक देती है। बाद में हर एक ग्रुप से एक एक तालिबे इल्म को लेती है और उन्हें पूरी क्लास के सामने एक ग्रुप के तौर पर बातचीत करने के लिए कहती है। तो ये किसे बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। देखिए सिंपल सी बात है, टीचर ने 5 ग्रुप बनाए 5-5 बच्चों के और डेली उन बच्चों को टॉपिक दिया जा रहा है कि आज तुम टेररिज्म पे डिस्कशन करो, आज तुम पोल्यूशन पे करो, आज तुम इंडियन फेस्टिवल पे करो। इस तरह से बच्चे डेली डिस्कशन करते हैं। एक दिन क्या होता है, हर ग्रुप से एक एक बच्चे को टीचर निकालती है और उसको स्टेज पे लेके आती है और कोई यूनिक टॉपिक, नया टॉपिक दे देती है और कहती है चलो अब इस पर बात करो। तो बच्चे मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से बातचीत अगर करेंगे तो उनकी बातचीत करने की इस सलाहियत को हम क्या कहेंगे, बिक्स कहेंगे, कल्प कहेंगे, मशवरा की सलाहियत या फिर ग्रुप डिस्कशन। तो इसे हम बिक्स कहेंगे। बिक्स क्या होता है पहले बताया जा चुका है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसका फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। उर्दू में इसे कहते हैं बुनियादी तरसीली महारत। इसका मतलब है मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए ज़बान का इस्तेमाल करना, रोज़मर्रा के कामों में समाजी रवाबित के लिए जो लसानी महारत दरकार होती है उसे ही बिक्स कहा जाता है। ऐसे ही मज़ीद सवालात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है कि प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए तरगीब देने से, मोटिवेशन देने से, प्रेरित करने से हमें क्या हासिल होगा। छोटे बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चा तुम तस्वीर बनाओ, तो उससे हमें क्या मिलेगा। बच्चे को सोच कर लिखना आएगा या फिर ये वक्त की बर्बादी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, या फिर ये बगैर गलती के लिखना सिखाएगा, या फिर तख्ते से ऐसे नकल करने की सलाहियत इससे बढ़ेगी। देखिए जब बच्चा तस्वीर बनाएगा तो वो सोचेगा कि इसकी आँख कैसे बनाएं, नाक कैसे बनाएं। तो जब हम बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे तो बच्चे की जो थिंकिंग स्किल है वो बढ़ेगी और सोच कर लिखने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल है कि उर्दू की दर्सी किताबों में मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है क्यों। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें कुछ पजल्स होते हैं, पहेलियाँ होते हैं, जैसे लाल छड़ी मैदान खड़ी बताओ क्या, तो बच्चे बता देंगे ऊँख। इस तरह से हम छोटे बच्चों की कहानियों, किताबों में कहानियों को या फिर पजल्स को डाल देते हैं। तो ऐसा करने का मकसद क्या होता है, तलबा में तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर इसका मकसद है रवा तरसील यानी कि फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेशन करने की, संप्रेषण करने की क्षमता को बढ़ाना है, या फिर दर्सी किताब को दिलचस्प अनासिर के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ समझने में मदद करना, या फिर हम ऐसा करते हैं ताकि क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाया जा सके। तो ये जो पजल्स छोटे बच्चों की किताबों में होते हैं, पहेलियाँ होती हैं, इनका मकसद होता है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख पा रहे होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग को आलोचनात्मक चिंतन
या फिर क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वकूफी आमोजिस का नज़रिया इस पर जोर नहीं देता है कि जो बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी है वो किस पर जोर नहीं देती है। निगेटिव पॉइंट आउट हमें करना है। पहला है गलतियां आमोजिसी अमल का हिस्सा है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बच्चे गलतियों से सीखते हैं। गलतियां तदरीसी आमोजिसी अमल का अभिन्न अंग हैं, अटूट हिस्सा हैं, और गलतियां टीचर और फीडबैक दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक देती हैं, तो गलतियां अहम हैं। दूसरा है आदत डालकर जबान सीखी जाती है। मंतिकी और जहनी अमल से जबान सीखी जाती है या फिर इंसान अपने अंदर जबान की सलाहियत लेकर पैदा होता है। तो हमें निगेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आदत डालकर जबान सीखी जाती है, ये वाला जो ऑप्शन है वो निगेटिव है। ये वकूफ़ी आमोजिस के नज़रिया के ख्याल से दुरुस्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 15। तालबे इल्मों को जबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है क्यों। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें स्टोरीज होती हैं, मुंशी प्रेमचंद की पंचायत, ईदगाह, ऐसी कहानियां होती हैं, नज़में होती हैं, यानी लिटरेचर को इंक्लूड किया जाता है छोटे बच्चों की किताबों में। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कोई तहजीबी वाकफियत फराहम करना इसका मकसद नहीं है, या फिर ज़बान के मुस्तनद रंगारंग को, अथेंटिसिटी ऑफ लैंग्वेज को प्रेजेंट करना इसका मकसद होता है, या फिर उर्दू के कदीम तर्ज के असालिब समझाना इसका मकसद होता है, या फिर मौजूदा मुश्किल अल्फाज समझाना। तो तालबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब इसलिए फराहम किया जाता है ताकि बच्चे ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को समझ सकें। ये जो लैंग्वेज की अथेंटिसिटी है उसको समझ सकें, प्रामाणिकता भाषा की क्या होती है बच्चे समझ सकें, इसलिए हम लिटरेचर को लैंग्वेज की क्लासरूम में इंक्लूड करते हैं। चलिए यहाँ पे एक अमल है, एक बयान है, इसको पढ़िए और फिर बयान इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की तायद करता है ये बताना है। कहा जा रहा है कि ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं, यानी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एक्टिविटी करनी ही पड़ती है। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट की तायद, इस बयान की तायद इनमें से कौन सा ऑप्शन कहता है। पहला ऑप्शन है कि निसाब में शामिल किसी तहरीर के बेहतर मफहूम के लिए तलबा को अपनी मादरी जबान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। दूसरा है कि पहले आसान फिर मुश्किल मतन पढ़ाए जाएं, उस्ताद लिखना बोलना सीखाए, तलबा उसकी नकल करें, या फिर हद दर्जा मश्क अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। देखिए ज़बान सीखने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। निसाब में शामिल किसी तहरीर के बेहतर मफहूम के लिए हमें तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पे, बच्चे की मातृभाषा का इस्तेमाल करने पे हमें उसे आमादा करना चाहिए। इस तरह से बच्चा जब मादरी ज़बान का इस्तेमाल करेगा तो वो ज़बान सीखने के अमल में कुछ एक्टिविटी भी करेगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल यह कि एक उस्ताद आमोजगारों की तहरीर और तकरीर की सारी मुश्तरका गलतियों को यकजा करता है, यानी बच्चों की जो रिटेन और जो स्पोकन मिस्टेक्स हैं उनको, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, मुश्तरका गलतियां हैं, उनको वो जमा कर लेता है, नोट कर लेता है कि बच्चे ने ये गलतियां की है, और फिर बाद में यानी क्लास ख़त्म होने के बाद बगैर किसी का नाम लिए हुए उन सारी गलतियों पे डिस्कशन करता है। बच्चे ने गलती की तो क्लासरूम में बच्चे को टोका नहीं, बच्चे को ये नहीं बताया कि तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, बल्कि गलतियों को जमा किया और क्लास ख़त्म होने के बाद उस पर डिस्कशन किया। तो ये क्या है, तो इसे हम कहेंगे फीडबैक, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन
करेक्ट होगा। टीचर बच्चों को फीडबैक दे रहा है कि तुमने यहाँ गलतियाँ किया, ये गलती है, नेक्स्ट टाइम आप मत करना, इस तरह से टीचर फीडबैक दे रहा है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जबान की तदरीस का सबसे पुराना तरीका कौन सा है? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है, कवायद और तर्जमे का तरीका, सबसे रिवायती और पुराना तरीका है। हालिया हालात में जबान सीखने का सबसे मुनज्जम तरीका कौन सा है? करंट सिचुएशन में लैंग्वेज लर्निंग का बेस्ट और सिस्टमेटिक मेथड जो है वो कौन सा है? तो है नेचुरल मेथड, यानी फितरी तरीका, स्वाभाविक विधि। अगला सवाल देखिए, सातवीं जमात के एक उस्ताद ने अपने तलबा से क्या किया, क्या कहा? देखिए, सातवीं जमात के उस्ताद अपने तलबा से ग्रुप बनाने और शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ मौजूआत को मुंतखब करने, आदाद और शुमार जमा करने और दोस्तों से उस पर बातचीत करके एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा, तो इसे क्या कहेंगे? टीचर ने क्या कहा? बच्चों जाओ शहर में घूमो, चीज़ों को देखो, कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करो, उसका डेटा जमा करो और फिर उस पर अपने दोस्तों से डिस्कशन करके एक रिपोर्ट तैयार करो। ये जो बच्चे रिपोर्ट तैयार करेंगे इसे हम क्या कहेंगे? होमवर्क, मफूजा, प्रोजेक्ट या फिर सामाजिक उलूम के लिए का? तो ये हमारा प्रोजेक्ट काम होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मुंदजा जेल में से जबान में किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? यानी बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? मुआसलात के लिए, यानी संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जबान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके, तलबा से बातचीत करके, अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह दे करके या फिर गलतियों की निशानदेही करके और उसकी इसलाह करके। देखिए, आप बच्चों की जबान की सलाहियत कैसे उभारेंगे? उनको कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे, मुआसलात के लिए जबान को इस्तेमाल करने का जब उन्हें मौका देंगे तो बच्चों को जबान में आप अच्छा कर सकते हैं, बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जबान बेहतरीन तरीके कार है तजर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए। किसके जरिए? ऐलान के जरिए भी हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, इज्तिमा से और तबादला से भी, यानी कि इनमें से सभी। हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मानी को वाजे करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि कोई भी लफ्ज़ है उसके मीनिंग बच्चों को समझ में नहीं आ रही है और आप उसकी मीनिंग को क्लियर करना चाहते हैं, बच्चों को स्पष्ट कराना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वाजे कराना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? लफ्ज़ों की तौजीह कर देंगे, बस अल्फाज को एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर डिक्शनरी यानी कि लुगत देखेंगे, या फिर तलबा को पूरा मौका फराहम करेंगे कि वह जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाएं, या फिर लफ्ज़ों की तौजीह के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएंगे। देखिए, अगर कोई भी लफ्ज़ आ गया और आप चाहते हैं कि बच्चे उसकी मीनिंग को समझें तो आप उस लफ्ज़ को सियाक व सबाक के मुताबिक बच्चों से अनुमान लगा करके सही उसका मतलब बच्चों को बता सकते हैं, या फिर सियाक व सबाक के मुतालिक सेंटेंस बनवा करके तलबा को मौका दे करके उस लफ्ज़ की मीनिंग को बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो मानी को वाजे करने के लिए हमें तलबा को पूरा मौका फराहम करना चाहिए ताकि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बना लें। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस तरह का सवाल आ चुका है, ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं, जवाब आप लोग खुद बताइएगा। उस्ताद अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तकसीम कर रहा है। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद बहसो मुबाहसा के ज़रिए फितरी मनाजिर, इमारतों और अफराद पर ख्यालात यकजा करने और उन पर एक मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कह रहा है। ग्रुप बना के बच्चों को कहा कि डिस्कशन करो,
ये जो नेचुरल सीन्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो महान लोग हैं, इन पर आइडियाज़ जमा करो और फिर एक शॉर्ट नोट मुख्तसर रिपोर्ट लिखो। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट का काम कहेंगे। ऐसा सवाल आ चुका है, मैंने आप लोगों को ये वाला सवाल समझाया था। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे शहर और जगह घूम करके टॉपिक सिलेक्ट करके उसका डाटा जमा करके उस पर डिस्कशन हो रहा था, तो वो प्रोजेक्ट काम था। यहाँ पे भी सेम वैसे ही काम हो रहा है। यहाँ पे भी फितरी मनाजिर, इमारतों और अफराद पे ख्यालात जमा कर रहे हैं और बहसो मुबाहसा हो रहा है, तो इसको भी हम प्रोजेक्ट का काम कहेंगे। दस जेल में से कौन क्लास में ज्यादा भीड़ से बेहतर तौर पर निमटने के लिए सबसे कम कारगर हिकमत अमली है? निगेटिव पॉइंट इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तलबा से अपने सियाक अज खुद पढ़ने के लिए कहें, सूदमंद और मुनासिब काम देना, आमोजिस के मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करना, या फिर ग्रुप में या दो दो के जोड़े में काम करने के लिए कहना। देखिए, क्लासरूम को अगर आप भीड़ भाड़ वाला क्लासरूम है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप उनको मुनासिब काम और सूदमंद काम देंगे। लर्निंग के विभिन्न जो विधियां हैं, लर्निंग के जो वेरियस मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे और ग्रुप में और जोड़ों में बच्चों को काम देंगे। तो ये सब तो पॉजिटिव हो गए। हमें पूछ रहा है कम कारगर क्या होगा? भीड़ भाड़ पहले ही ज्यादा है और बच्चों से कह देंगे अपने आप से पढ़ो, तो बच्चे शोर मचाने लगेंगे, तो इस तरह से आप भीड़ वाली क्लास से निमट नहीं पाएंगे। तो इसलिए कम कारगर हिकमत अमली होगी। तलबा से अपने असबाक अज खुद पढ़ने के लिए कहना, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जबान की मौसर आमोजिस में दर्ज दिल में से कौन तलबा के लिए माविन होगा? लैंग्वेज लर्निंग को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इनमें से क्या आपके लिए मददगार होगा? इनफरादी काम, इंडिविजुअल अकेले तौर पे काम, अकेले तौर पे लिखना, या फिर अक्सरों बेशतर टेस्ट लेना, या फिर आमोजिस की इज्तिमाई सरगर्मी करना। तो देखिए, जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे तो बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो जबान की आमोजिस को मुअस्सर करने के लिए, असरदार करने के लिए हमें आमोजिस की इज्तिमाई सरगर्मियां अंजाम देनी चाहिए। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जबान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? बातचीत करना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए, अपने ख्यालात और अफकारात पर डिस्कशन करना चाहिए, तबादले ख्याल करना चाहिए। बेचैनी क्यों महसूस करना है भाई? बेचैनी नहीं महसूस करना चाहिए। हमसे निगेटिव पूछ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जबान की तदरीस के तरीके में एक उस्ताद से तवक्को की जाती है। लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स में एज ए टीचर हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमसे क्या उम्मीदें हैं? आमोजगारों की अपनी तजर्बात की रोशनी में मालूमात तामीर करने में टीचर मदद करे, यानी उस्ताद से तवक्को की जाती है कि वो लर्नर्स की हेल्प करे, ताकि वो खुद से अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे नए नॉलेज को क्रिएट कर सकें, या फिर क्लास के लिए निसाब की तामीर करें, या फिर आमोजगारों की अपनी निसाबी किताब तैयार करने में मदद करें, या फिर आमोजगारों को माकबल तामीर मालूमात फराहम करें। तो अगर आप टीचर हैं, तो आपसे यही एक्सपेक्टेशंस होंगी, आशा आपसे यही होगी कि आप छात्रों की मदद करें, सहायता करें, जिसकी वजह से वो खुद से अपने इल्म की तश्कील कर सकें। क्योंकि प्याजे के मुताबिक बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो खुद से अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो टीचर का काम होगा फैसिलेटर का, सहायताकर्ता का, सुगमकर्ता का। ठीक है, तो उस्ताद से तवक्को की जाती है कि आमोजगारों की अपनी तजर्बात की रोशनी में मालूमात तामीर करने में मदद करे। चलिए, इस सवाल को करते हैं, फिर क्लास को अगले दिन के लिए मुलतवी कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा जा रहा है कि क्लास में जबान से मालामाल यानी समृद्ध भाषिक वातावरण, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर को फ़रोग देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। वालदैन से अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहना चाहिए, हर बच्चे के लिए यकसा हदफ मुकर्रर करना चाहिए, बच्चों को क्लास में अपने तजर्बात साझा करने की इजाज़त देनी चाहिए, या फिर बच्चों के बोलने के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करना चाहिए। आप रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं जहां जबान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो ऐसा करने के लिए आपको आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को क्लासरूम में शेयर करने की परमिशन देनी चाहिए, बच्चों को क्लासरूम में अपने तजर्बात साझा करने की इजाज़त देनी चाहिए। जब बच्चे अपने ख्यालात अपने तजर्बात क्लासरूम में साझा करेंगे, एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्लासरूम में रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा, इसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ऐसे ही बहुत सारे सवालात हमारी इस पीडीएफ में और ऐसे ही 12 पीडीएफ में मौजूद हैं। आप चाहें तो हमारा नोट्स पीडीएफ के तौर पे हासिल कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना होगा 7275549890 पे, आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो हम आपको सैंपल भेजेंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, उन्हें फॉलो करके आप हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए, कॉल नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।